हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, करंट अफेयर्स की ये जो क्लासेस चल रही है, अगर आप पूरे प्लेलिस्ट को देख लोगे तो डेफिनेटली आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लेलिस्ट से जाकर आप सारे क्लासेस को देख सकती हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, BCCI ने जो रुपए है इसे अपना ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। आपको बस ये बताना है कि ये कितने सीजन के लिए पार्टनर बनाया गया है। 2 सीजन के लिए, 5 सीजन के लिए, 4 के लिए या फिर 1 सीजन के लिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, इसे जो बनाया गया है पार्टनरशिप, देखिए यहाँ से आप देख पाओगे, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। याद रखिएगा, BCCI का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। तो अगर आप नीचे कमेंट करके फिर से एक बार BCCI का फुल फॉर्म लिख दें तो आपको भी याद हो जाएगा और जो कमेंट पढ़ेंगे उन्हें भी याद हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसका आंसर बता दूं, ये जो 2 सीजन के लिए जो है टाई अप किया गया है BCCI और रुपए के बीच में, ये 2 सीजन के लिए जो है इसे ऑफिशियल पार्टनरशिप के लिए रखा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि आपके सामने ये रहा। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ऊर्जा पर वेबिनार को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन किसे चुना गया है? अमित शाह, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह या फिर नरेंद्र मोदी? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा PM मोदी। जी हाँ, ये लगभग सारे जो अच्छे अच्छे वेबिनार हो या फिर प्रोग्राम हो उसे एड्रेस PM मोदी ही करते हैं एज अ लीडर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? PM मोदी, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए, आपके सामने ये रहा। हाउ मच परसेंटेज ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री? देखिए, आपको बस ये बताना है कि देश में कितने प्रतिशत वयस्क आदमी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज, फर्स्ट डोज दे दी गई है। 86%, 69, 79 या 97% लोगों को दे दी गई है। तो यहाँ से देखिए, 97 से भी ज़्यादा एडल्ट लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया गया है, पहली डोज दे दी गई है। दूसरा डोज जो है वो उसकी परसेंटेज की डिजिट को अभी तक आगे नहीं लाया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आपके सामने ये रहा। रिसेंटली विच स्टेट, देखिए चुनाव हो रहा था तो आपको बताना है कि 56% से अधिक मतदान दर्ज, देखिए ये इनवैलिड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नई इस तरह से पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन को आप रहने दो। आपको बस ये बताना है कि 2000 मेट्रिक टन गेहूं लेकर भारत की मानवीय सहायता का दूसरा काफिला किस देश में पहुंचा है? तो देखिए, अफगानिस्तान भूखे मर रहा है, अफगानिस्तान में खाने को लेकर गेहूं नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जो वीट है इसकी क्राइसिस चल रही है। अफगानिस्तान तो वैसे भी वहाँ पे इकोनॉमी चौपट हो चुकी है जब से तालिबान आया है, और उसे सरकार चलाने का कोई आइडिया है भी नहीं, बंदूक चलाने वाले क्या ही सरकार चलाएंगे। तो अफगानिस्तान को हम लोग जो है बिल्कुल, ये जो बोलते हैं ना, बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम लोग असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वहाँ के लोग भूखे ना मरें। तो इंडिया का ये बड़ा दिल है, आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि आपके सामने ये रहा। रिसेंटली हु एंटर्स क्वार्टर फाइनल? आपको बताना है एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है? रजत सिंह, अभिनव शाह, आनंद यादव या राघव शर्मा? तो इसका राइट आंसर यहाँ से देख लीजिए, आनंद यादव क्वालिफिकेशन में एंटर कर चुके हैं, क्वार्टर फाइनल में एंटर कर चुके हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ से देखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना दे दूं, अगर आप AEES की तैयारी कर रहे हो, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की, तो मेरे हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल ओनली 299 के प्राइस पे आप इसे अवेल कर सकते हो। बहुत कम कॉस्ट रखी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। और अगर आप लेना चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो 100 रुपीज़ में ये ले सकते हो। और लेने के लिए yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि आपके सामने ये रहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत बढ़ाने का जो है आगाह किया है, इंक्रीज करने के लिए जो है आह्वान किया है? 40%, 50%, 10% या 30%? तो इसका राइट आंसर यहाँ से आप देख पाओगे, इन्होंने 10% को बढ़ाने के लिए आह्वान किया है। देखिए, ये एक्चुअली सही बात भी है, आप छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म गोल है उसे लेकर आगे चलोगे तो फिर लॉन्ग टर्म में आप इसे ज़्यादा बढ़ा पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल में किस देश ने रूस के साथ व्यापार करने के लिए भुगतान विकल्पों की खोज की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया। देखिए, ये बार्टर सिस्टम आप समझ लो, बार्टर सिस्टम क्या होता है, पहले के ज़माने में अगर सपोज़ कर लो कि आपके पास चाय है और मेरे पास क्या है, जूट है,
तो अब हम मेरे पास कोई करेंसी नहीं है, आपके पास भी करेंसी नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे, चाय के रेशियो में मैंने आपको जूट दे दिया और एक दूसरे के साथ व्यापार कर लिया। दिस इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ये पहले चलता था, सामान के बदले सामान देना। अगर आपके यहाँ चावल उगा है तो मैंने आपको गेहूँ दे दिया, आपने चावल दे दिया, तो इस तरह से ये सिस्टम चलता है। फिलहाल रसिया के ऊपर बहुत सारे सेंसन्स लगे हैं और आपको पता ही होगा, इन्होंने ये जो स्विफ्ट है, इसका भी जो पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में पेमेंट होता है, यूट्यूब से जो पैसे आते हैं, ये स्विफ्ट पे बैन लगा दिया है। रसिया में कोई भी पेमेंट फॉरेन कंट्री से नहीं हो सकती है, जिस कारण इन्होंने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में ही किस देश के परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग बुझाई गई है, आग लग गई थी इसलिए बुझाई गई है, रसिया, इंडिया, चीन या यूक्रेन? तो इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन। देखिए रसिया, एक्चुअली आप देखो किसी को सही गलत नहीं ठहरा सकते हो, जब इंटरनेशनल वार होता है सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। तो रसिया ने अटैक करके यूक्रेन पे अटैक किया और यहाँ का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें आग लगा दी और इसे अब बुझाया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। आपके सामने ये रहा, ये जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्होंने क्या परामर्श जारी करके लगभग कितने भारतीयों ने यूक्रेन को छोड़ दिया, अभी तक कितने भारतीय वापस लौट चुके हैं? 16,000, 17,000, 18,000 या 19,000? तो देखिए इसका राइट आंसर आप यहां से देख पाओगे, 18,000 इंडियंस लगभग जो है यूक्रेन को छोड़कर वापस आ चुके हैं। तो चलिए आखिरी में द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी है। रिसेंटली नीति आयोग, देखिए नीति आयोग जो है, योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग को लाया गया था। हाउ मैनी एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट इन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज सेक्टर? तो ये है, 5 रिसोर्सेज को लाया गया है। विच कंट्री विल हेल्प इंडिया इन एवेकुएशन स्टूडेंट? तो रसिया ने इंडिया को कहा कि ये यूक्रेन से जो है हमारे बॉर्डर से आप अपने स्टूडेंट को बाहर ला सकते हो। रिसेंटली रसिया रिमूव्ड ऑल कंट्रीज फ्लैग्स फ्रॉम अ रॉकेट, एक्सपेक्ट विच कंट्रीज फ्लैग? तो देखिए इंडिया ने एक रॉकेट से जो है इंडिया के फ्लैग को छोड़कर सारे फॉरेनर्स को हटा दिया था, तो ये रसिया ने अपनी दोस्ती थोड़ी सी निभाई है। तो ये था आज का न्यूज़, ये आज के करेंट अफेयर्स। आगे भी क्लासेस मिलते रहेगी, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, लाइक का एक बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।